नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि हमारा जो सिंक का खाँचा है वो हम कैसे काटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब सबसे पहले अपने सिंक को आप प्लेटफॉर्म पे रख दीजिए जितना आपको काटना है, और ध्यान रखिए कि सिंक का जो सामने वाला हिस्सा है जो आपकी बॉडी को टच होने वाला है वहाँ से आपको 4 इंच गैप छोड़ना है, और सिंक के पीछे जहाँ नल वाला हिस्सा है वहाँ पे 3 इंच का गैप आपको छोड़ना है कम से कम। और साइड से, लेफ़्ट साइड से जहाँ आप खड़े होते हो उसके लेफ्ट हैंड साइड से आपको जो है 3.5-4 इंच की जगह छोड़नी है। और फिर जो आप मार्किंग करते हो उस सिंक कटिंग के हिसाब से, सिंक के साइज़ के हिसाब से आप मार्किंग कर लो बाहर बाहर से, और उसके 1.25 इंच अंदर से आपको जो खाँचा काटना है सिंक का। देखो जैसे अभी आप देख रहे हो हमने जो मार्किंग कर लिया है, मार्किंग से 1.25 इंच अंदर हम लोग उसको कटिंग कर रहे हैं ताकि जो सिंक का बाहर का बॉर्डर है वो उसके ऊपर अच्छे से बैठ जाए। जैसे अभी आप देखोगे हमारी वीडियो में तो हम जो है अंदर अंदर से कटिंग कर रहे हैं। बस ध्यान रखिए जो सिंक का नल वाला हिस्सा है जहाँ पर आपका नल आने वाला है वहाँ पर कम से कम 3 इंच की जगह आपको छोड़नी है, क्योंकि उतना स्पेस आपको नल फिटिंग के लिए चाहिए। तो नल के एरिया के यहाँ पर आपको 3 इंच छोड़ना है, और जो आपका पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पर आप खड़े रह के धोने वाले हों बर्तन वहाँ से आपका 4 इंच छूटना चाहिए। और फिर उसका सेंटर निकाल के आपको सिंक के बॉर्डर पे मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करके फिर जितना उसका बॉर्डर है 1.25 इंच का बॉर्डर होगा उतना 1.25 इंच आपको मार्किंग से अंदर काटना है, तो ही आपका सिंक जो है उसके ऊपर बैठेगा। अभी देखने जैसे अगर हमारा कटिंग करके हो जाएगा तो अभी हम आपको बैठा के दिखाएंगे कि कैसे हमारा सिंक जो है वो अच्छे से बैठ जाएगा। इसमें हमारा कटिंग हो गया है, अभी हम सिंक इस पर फिट करेंगे। सिंक जैसे आपको मैंने बताया था वैसे ही हमने काटा है, और जैसे उसका बॉर्डर से हमने 1.25 इंच अंदर काटा था ताकि उसका बॉर्डर बैठ जाए, वो बॉर्डर बैठ गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इसी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर वीडियो बनाता रहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।